स्लाइड चेंज हुआ क्या मैम? ये सब हाँ, मैं ये बता रहा था कि एजुकेशन पॉलिसी का अभी कोई कॉन्क्रीट डिटेल नहीं है. हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अनीस क्लासेस में कैसे पढ़ाई होगी, इसी के ऊपर डिस्कशन है. और ये पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, सिर्फ उसका एक रिविजन है. वी आर नॉट कमेंटिंग एनीथिंग ऑन दी ये स्लाइड से आपको नहीं सर, पॉलिसी पहले का नहीं, इसके पहले का था करिकुलम. या बोले ना मैम? जी सर, करिकुलम इसके पहले का एक स्लाइड था करिकुलम करके. यही स्लाइड है वो, करिकुलम का स्लाइड है. हाँ, ये राइट सर. तो आप जैसे फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो, आर्ट साइंस कॉमर्स एवरीथिंग विल बी टुगेदर एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा सिक्स स्टैंडर्ड ऑनवर्ड. सिक्स स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं, हम लोग काफी टाइम से बोलते भी आए हैं आप लोग को, तो वोकेशनल कोर्सेज जो है उसका सिक्स स्टैंडर्ड से ही उसके लिए इम्पोर्टेंस शुरू हो जाएगा. बैगलेस स्ट्रक्चर, यानी अभी जो होता था बुक्स की पढ़ाई, वो काफी कम हो जाएगी. तो ऐसे नहीं होगा कि बहुत सारी बुक्स 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 पढ़ना है. प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम लोग बोलते हैं, पीयर लर्निंग जो हम लोग बोलते हैं, उस पर अभी ज्यादा फोकस होगा, जिसकी वजह से काफी सारा रिड्यूस वेट ऑफ योर बैग्स भी हो जाएगा. ठीक है, एग्जामिनेशन जो है दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर होता था अभी तक, 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम भी जो होता था सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर में होता था, अभी कॉम्बिनेशन हो जाएगा. कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा, कितने सब्जेक्टिव कितने ऑब्जेक्टिव, वो अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है. बट नाउ जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर. ओके, इक्वल इम्पोर्टेंस विल बी गिवन टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. जैसे एनडीए में है कि आपका रिटन एग्जाम इम्पोर्टेंट है, तो आपका एसएसबीज एंड आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी इम्पोर्टेंट है. उसी तरीके से एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में आपका रिटन एग्जाम्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान होगा. इसलिए अगर आपको पता है अनीस एकेडमी में हम लोग जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आपने कुछ अगर आप अच्छे हो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज में आता है, तो फिर हम लोग उसके लिए वो स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट भी देते थे. बोला ना मैंने आपको, मैंने टोस्ट मास्टर में भेजा है बच्चों को. टोस्ट मास्टर एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस सिटीज में है, जो बच्चों को मोटिवेट करता है टू स्पीक, टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, टू स्पीक अप. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, जल्दी से बोलते नहीं, विच इज नॉट गुड फॉर एसएसबी. लिखो बच्चों, इंट्रोवर्ट लिखो, एक्सट्रोवर्ट लिखो. इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते थे तो वो एसएसबी के लिए अच्छा नहीं होता था. तो हम लोग हमारे यहाँ से जो बच्चे होते हैं उनको टोस्ट मास्टर्स के इवेंट पे भेजते हैं, जहाँ पे उनको बोलने का मौका मिलता है. पीपल जब देखो बच्चों को, जो मैं बात करता हूँ ना 9:30 बजे, उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं, एक्सटेम्पोर. मैं कभी सोच के नहीं आता, कल पीपीटी जल्दी खत्म हो गया था तो मैंने रिवर्स किया पीपीटी, सबको याद है ज्योग्राफी का. कल वो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था तो तेज बहादुर सब लोग के बारे में बात किया. तो ये एक आर्ट है जिसको सीखना है, जिसको हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं. और एक चीज है जो आर्ट आपको सीखना है, स्टोरी टेलिंग. जितने भी लोग बात करते हैं, टेड लिखो, टेड पे बात करना आता क्या? स्टोरी टेलिंग और एलोकेशन ये अलग है, डिबेट अलग है, ये सब तुमको क्रेडिट पॉइंट्स देगा. एक्सटेम्पोर बात करना अलग है और ऑन प्लेटफॉर्म बात करना, मैं तुमको बता ना मेरा फेवरेट है. तुमने कभी ग्रेटा थनबर्ग को बात करके देखा क्या? कभी देखो ग्रेटा थनबर्ग, लिखो ग्रेटा थनबर्ग. वो एज ग्रुप की लेडी क्या बात करती है, फैंटास्टिक. तो ये सब स्किल्स है जो तुम्हारे को आना चाहिए, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं. लिखो सॉफ्ट स्किल्स, ये तुम्हारे एसएसबी में भी काम आता है. बहुत इंट्रोवर्ट रह के भी नहीं चलेगा, एक्सट्रोवर्ट रह के भी नहीं चलेगा, दोनों चीज करना पड़ेगा आपको. यस मैम, कंटिन्यू. जी सर, एंड जो एक पॉइंट है कि एशियंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया जो है वो पूरा उसका उस पर इम्पोर्टेंस दिया जाएगा. करिकुलम टू इंक्लूड नॉलेज फ्रॉम एंशियंट इंडिया टू मॉडर्न इंडिया एज वेल एज फ्यूचर एस्पिरेशंस. तो हमारा जो ऑलरेडी बोलो बोलो ना मैम, 5 से 7.5 वही लेक्चर्स होंगे. राइट, तो मैं बोलता हूँ दोबारा, देखो बच्चों लोग, जो मैम ने अभी बोला ना, तुमने अगर ध्यान से देखेंगे एजुकेशन पॉलिसी को,
मेरे अलावा बहुत लोग यूट्यूब पे बात करते हैं, नॉलेज इंडिया ये टॉपिक का नाम हम लोग उसको नाम ही रखने वाले हैं, नॉलेज इंडिया। तो नॉलेज इंडिया के तहत में मैंने क्या किया है, जीनत मैम के लेक्चर को सुबह रखा है और अल्ताफ सर के लेक्चर को मैंने शाम को रखा है। तो पांच जो हमारे लेक्चर होता है ना, एक तो मेरा लेक्चर वो अलग अलग टॉपिक पे होगा, लेकिन 5 बजे रिंकू मैम का लेक्चर ज्योग्राफी का, उसके बाद पॉलिटी का लेक्चर उपल मैम का, अभिषेक सर का लेक्चर हिस्ट्री का, और तुम्हारा करंट अफेयर्स अल्ताफ सर का। इसका नाम ही रहेगा नॉलेज इंडिया। मैं इससे पहले ही बोला आरएमसी से लेके सीडीएस तक हर बच्चे को जो है ना, हर बच्चे को यही बात करना पड़ेगा इंडिया के बारे में, और इंडिया के बारे में डिटेल्ड, सिर्फ आर्ट साइंस सोशल स्टडीज उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडिया के बारे में डिटेल आएगा तो ही वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करेगा। तो जो बच्चा अनीस क्लास में 5 से 7.5 का लेक्चर अटेंड करता है वो इंशाल्लाह हर एक एग्जाम पास करेगा, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एसपीआई हो, चाहे आरएमसी हो, आरएमएस हो या सैनिक स्कूल हो। ये सारे एग्जाम्स के लिए बेस्ट है 5 to 7:30। जो पेरेंट्स अटेंड करें उनको भी बता रहा हूं मैं, किसी को आईएएस करना रहेगा तो 5 to 7:30 लेक्चर अटेंड करो। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अभी मेरे को बुक मिला, एक और चीज मिला, लिखो एनटीपीसी। सोनाली मैम, एनटीपीसी क्या होता है जरा बताओ क्या? उसके लिए भी यही सिलेबस है, असिस्टेंट कमांडर उसके लिए भी यही सिलेबस है, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, एसएससी, सीजीएल के 14 अलग अलग, रेलवे बोर्ड, मेट्रो का, हेल्थ इंस्पेक्टर का, सीडेक का, आईएसआरओ का, और क्या तुम्हारा आईएसआर डीओडीओ का, सारे एग्जाम में 5 से 7.5 का लेक्चर काम आएगा। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम, कंटिन्यू। तो इस तरीके से रहेगा। एंड अनीस एकेडमी जो है, हम लोग हमारा खुद का भी एक करिकुलम बनाएंगे ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज अगर एनडीए का प्रिपरेशन अगर 9th स्टैंडर्ड से ही शुरू हो रहा है तो बच्चा बोर्ड एग्जाम्स कैसे देगा, कब देगा, कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंस है, एंड हम लोगों को अपना प्रिपरेशन कब तक खत्म करना है, सो दैट वी कैन टेक टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग एंड प्रिपेयर स्टूडेंट वेल इन एडवांस। उस चीज के लिए हम लोग हमारा खुद का भी एक करिकुलम बनाएंगे एंड स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेंगे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डू वी हैव रूपल मैम इन लेक्चर? कौन? रूपल मैम है क्या? पता नहीं। दिस स्लाइड इज बीन मेड By like, you know, बहुत सारी टीचर्स ऐसे जिन्होंने रीड किया है पूरा 54 पेजेस का आर्टिकल था, पूरा पॉलिसीज थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो काफी सारी टीचर्स है जिन्होंने रीड किया है और अपने अपने इनपुट्स दिए। ओके तो एनरोलमेंट रेशियो जो है, एनरोलमेंट ये पूरा जो चेंज किया है वो बिकॉज ऑफ एनरोलमेंट रेशियो भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे है जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जिन्होंने अपना एजुकेशन कम्प्लीट नहीं किया या ऐसे, तो दिस इज एमिंग दैट 2035 तक 3.5 करोड़ सीट्स जो है वो भर जानी चाहिए। एंड टू अचीव दिस जीडीपी एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज फ्रॉम करंट 4.43, अभी का जो है सिर्फ 4.43 है, तो वो 6% तक लाना है। इसीलिए ये पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पूरा चेंज हो रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है जो ड्रॉप आउट कर चुके एजुकेशन बिकॉज उनको शायद टफ हो रहा है या फिर कोई भी इश्यूज होते हैं उस चीज के वजह से, अगर वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं तो वापिस से आए एंड अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। इसलिए सर आपको इसमें कुछ ऐड करना है? यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए एनडीए में इसमें क्वेश्चन आएगा, ये बताओ ना बच्चा जीडीपी मतलब क्या? जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेंडर इक्वालिटी में देखो फीमेल एजुकेशन, ये देखो तुमने सैनिटेशन, टॉयलेट, बाइसाइकिल। तमिलनाडु में जयललिता का एक स्कीम था, जो भी बच्चे 10th पास हुए ना सबको साइकिल दे दिया, बहुत सही स्कीम था, बहुत सही। मैं इससे पहले भी तुम बता एमजीआर का स्कीम था, 1 बिलियन रुपीज उस जमाने में खर्च किया कि सबको मिड डे मील स्कीम चालू करेंगे, जो भी स्कूल में बच्चा जाता है उसको खाना फ्री, इतना सब लोगों ने गाली दी एमजीआर को, लेकिन एमजीआर का स्कीम अभी सब पूरे इंडिया में वो लागू हुआ और अभी भी चालू है। और तमिलनाडु का जो स्कीम है ना कि हर लड़की को साइकिल देना, मुझे भी अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ, मैं भी यही काम करूंगा, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी इंडिया में बहुत डिफरेंस है, तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज है।
हाँ जेडपी स्कूल में जाना चाहिए, वेरी गुड। तो इंडिया का जीडीपी तब बढ़ेगा जब जो मेल टू फीमेल रेशियो कम होगा। हरियाणा में देखो बच्चों, हरियाणा में 831 फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल, मतलब इसलिए हरियाणा के लोग केरला से लड़कियां लाते हैं शादी करने के लिए। या सिर्फ लिटरेसी फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा मेल से एक ही स्टेट में इंडिया में, वो केरला है। इसलिए 100% लिटरेसी रेट केरला में। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि केरला का हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। और हमारा जीडीपी तब बढ़ेगा जब हम एग्रो बेस्ड है, हमारे एग्रीकल्चर में हम डेवलपमेंट करेंगे। अभी जब से लॉकडाउन हुआ तुम देखो जितने फिल्म स्टार भी सब एग्रीकल्चर कर रहे, सलमान खान से लेके सब। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कोर्टयार्ड में, अपने गार्डन में, टेरेस गार्डनिंग में। एक्चुअली वो पिक्चर का नाम बोल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वी हैव टू पुट मोर एफर्ट्स इनटू दैट आफ्टर कोविड-19 स्पेशली। और हमको क्रेडिट सिस्टम है ना, क्रेडिट सिस्टम में हमको पॉइंट्स मिलेंगे अगर हम ऐसी चीजें करेंगे। फिलीपींस में मार्क्स मिलते हैं अगर हम खेती में जाके काम करेंगे तो। बहुत सही कंसेप्ट है, वो इंडिया में आएगा भी इंशाल्लाह। हाँ, शिव भोजन भी इम्पोर्टेंट है, वो भी एक अच्छा कंसेप्ट था वो बागेल का छत्तीसगढ़ में, कि गोबर जमा करो 2 रुपए किलो मिलेगा। वो बहुत सही सिस्टम है, वो पूरा इकोनॉमी को, जो चीज इकोनॉमी को रिवाइव करेगा और एग्रो बेस्ड रहेगा ना, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मार्केट में। ये क्या था बच्चों, एजुकेशन इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी और फॉर द बुक्स और इनसाइड द क्लासरूम। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज दैट एजुकेशन इज फॉर आउटसाइड द क्लासरूम। अभी होगा आउटसाइड द क्लासरूम, जब तुम एक टाइप करो बच्चों, यशपाल को, यशपाल बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, एनसीईआरटी का हेड था, यशपाल टाइप करो, यशपाल ये साइंस का, जैसे जयंत नारंगली करा ना महाराष्ट्र में पुणे में, बोले यशपाल बहुत सही साइंटिस्ट था, इन्होंने एजुकेशन में बहुत काम किया। और मैंने उसको बताया तुम्हारे को, यशपाल के अलावा और एक, अभी इनका डेथ हो गया, और एक जो लेडी है जो केजरीवाल गवर्नमेंट के लिए काम करती है, उसका नाम क्या, उसने पूरा रेवोल्यूशनाइज किया। यशपाल के बारे में मालूम हमको, देखो कौन है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो क्या और वो भी बात करो जो आप बता रहे थे कि एजुकेशन क्लासरूम के बाहर कैसा होगा, बात करो ना। एजुकेशन जितना भी हम करते हैं वो सब क्लासरूम के बाहर से ही बुक्स में आया है, तो हमें देखना है कि बुक्स में कहाँ से आया है। तो बाहर के जितना भी है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी आप पढ़ रहे हो उसका एम्प्लीकेशन लाइफ में जरूर है, तो हमें यही देखना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर है, कहाँ से क्या जरूरत पड़ी जो हमारी बुक में इसको इंक्लूड करा गया, ठीक है ना। जैसे चीजों को ऑब्जर्व करा, कोई भी प्रिंसिपल होता है जैसे रेजिस्टेंस और करंट का है, तो ये कई बार इसको देखा होगा कि रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन क्या है। जब बार बार देखा भी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज्यादा करंट का फ्लो होता है, तो इसी को प्रिंसिपल बना दिया गया बाद में, ठीक है ना। जैसा देखा गया टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है भाई, वॉल्यूम बढ़ता है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसी को ऑब्जर्व करा गया सब जगह, फिर इसी को क्या है रूल बना दिया गया भाई, ये काम चार्ल्स ने पहले कर लिया तो चार्ल्स लो बन गया, बॉयल्स ने जो काम पहले देख लिया वो बॉयल्स लो बन गया, ठीक है ना। जो काम आप करोगे आप भी कुछ नया ऑब्जर्व करोगे, आपके नाम का रूल बन जाएगा। अब न्यूटन ने जो करा आसपास देख के ही करा, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब बुक में ही हो, सब आउटसाइड में लग गया है, तो हमको वो सारी चीजों पर फोकस करना है। और एक चीज बताना चाह रहा सर, बच्चों लिखो TIFR, TIFR लिखो, टेस्ट लिखो, फुल फॉर्म लिखो, TIFR और टेस्ट का फुल फॉर्म, ये दो जगह पढ़ना बहुत जरूरी है। और एस्ट्रोफिजिक्स लिखो, एस्ट्रोफिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स नहीं एस्ट्रोफिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, मालूम आपको, ये इंपॉर्टेंट है अभी। हाँ, 7 स्टैंडर्ड से जिस चीज में हमको पसंद है उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, फिजिकल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट होगा, उसको ग्रेडिंग नहीं रहेगा, इट विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एजुकेशन। अच्छा मुझे बता, अवार्ड्स के ऊपर मैं एक लेक्चर लेने वाला हूँ, एक बच्चे का पीपीटी भी उसमें, पद्म विभूषण किसको मिलता, पद्म भूषण किसको मिलता, उसके अंदर क्या फर्क है, वो भी इंडिया में आता, याद रखो। कॉस्मिक रेस पे काम किया यशपाल ने, याद रखो, यशपाल जो साइंटिस्ट है ना, इनके दूरदर्शन पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज है, अभी बहुत बोरिंग होते हैं ना, लेकिन उसके लिए बच्चे लोग देखते नहीं थे,
लेकिन अभी आपको देखना पड़ेगा बहुत सारी चीज। हाँ, और क्या नाम आपका, सोनाली मैम, आपका नेक्स्ट पीपीटी पे होगा, टीआईएफ टेस्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयु का, ये तीनों चीज में जाने के लिए क्या करना चाहिए, आईएसआरओ में, सीडक में और डीआरडीओ में जाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन सा एग्जाम देना चाहिए। और मैंने अभी और एक पूछा आपको, एनटीपीसी, एनटीपीसी और हेल्थ इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, रेलवे पुलिस, ये सब सारे एग्जाम। कंटिन्यू कंटिन्यू मैम, सोनाली मैम। कोई जीडीपी में बात करें, इंडिया का जीडीपी एग्रो बेस क्यों है, बोलो ना मैम। जी सर। एंड नाउ मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो उसका जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम से वो कैसे होगा, तो बोर्ड एग्जाम्स जो है वो दो इसमें डिवाइडेड हो जाएगा, साल में दो बार एग्जाम्स होगी, बोर्ड एग्जाम्स साल में दो बार होगी, एंड जो बच्चों के सब्जेक्ट से वो डिवाइड कर सकते हैं, टू मॉड्यूल्स में होगा, डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर पैटर्न में फर्स्ट हाफ में वो दो तीन सब्जेक्ट है एंड नेक्स्ट में दो तीन, बच्चे चाहे तो सब सब्जेक्ट जो है एक साथ भी दे सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, बच्चे खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको दो मॉड्यूल में देना है कि एक ही इसमें देना है। तो बेसिकली जो है ये एक एडवांटेज हो जाएगा, अभी बच्चों पे बहुत प्रेशर आ जाता है सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं देन एक साथ एक बोर्ड एग्जाम होती है, बट ये अभी दो मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका रहेगा पूरा। एंड लोक विद्या जो है इम्पोर्टेंस, वोकेशनल नॉलेज डेवलपमेंट इन इंडिया विल बी मेड एसेसिबल टू स्टूडेंट्स, एचआरडी मिनिस्टर जो है वो अभी पूरा करेगी ये सब, एंड विल बी रीनेम्ड, एचआरडी मिनिस्टर जो है ये अभी आपको ये सब नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपके एनडीए के पेपर में ये सब क्वेश्चंस में से कुछ भी आ सकता है कि एचआरडी मिनिस्टर कौन था एंड उसका अभी रीनेम होके क्या नाम रखा गया है, तो अभी रीनेम होके उसका एजुकेशन मिनिस्टर। पहले तो क्या सीरियस वाले को बुलाना, उससे पहले कितने बार चेंज हुआ, मैंने वो आर्टिकल का कटिंग में भेजा है डाउट ग्रुप में, लेकिन मैं वापिस से भेजूंगा कि एचआरडी मिनिस्टर कितने अभी तक इंडिया में कितने एचआरडी मिनिस्टर गुजरे, इसके बारे में मालूम होना भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो रमेश पोखरियाल है, लेकिन इस पर काम किया ना स्मृति ईरानी ने काम किया, याद रखो स्मृति ईरानी काम किया, उस पर मेरे एक फ्रेंड है, आप उसको गूगल कर सकते फेसबुक पे, शकील शमशु, और मैं उनको मिलता था, उन्होंने बहुत, इग्नो के चेयरमैन थे। मैम ये पीआईबी क्या, हाँ बिल्कुल मैम, पीआईबी क्या, पीआईबी, हाँ जी सर, ये पीआईबी रिप्रेस लिस्ट, हेलो, हाँ जी अल्ताफ बोल रहा हूँ सर, वो हाँ सर बोले ना अल्ताफ सर, बोले ना सर, पीआईबी ये बोले सर, बोले, हाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो एक ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स है सर न्यूज का, ये सर आपकी आवाज कट रही है, अल्ताफ सर की आवाज कट रही है सर, हाँ। थोड़ा माइक के पास आ जाओ, हाँ बोले सर, हाँ हाँ सर, पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल न्यूज चैनल है सर, या फिर ऑफिशियल न्यूज साइट है जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है, इसका वेबसाइट भी है और पब्लिकली ये आकर इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। अच्छा, और सर फ्री प्रेस जर्नल क्या होता है, फ्री प्रेस जर्नल, हाँ नो सर, इसके बारे में तो नहीं सुना मैंने। अच्छा ठीक है ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड मैम। जी सर, हाँ तो सी ये हम लोग ने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया था, जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत मैटर करेंगे, बिकॉज लीडरशिप रोल्स जो होता है, लीडरशिप क्वालिटीज जो होती है वो बच्चों में आनी चाहिए, इसलिए बचपन से ही उन लोगों को उस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि पहले इस बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड देन उनमें वो लाइक यू नो पहले जो होता था कि बच्चे पिट पैट करके जाते थे, रट्टा मार के जाते थे, वो चीज ना रहे, तो इसलिए फर्स्ट थिंग इज मैथमेटिक्स जो है
उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, इसलिए 12th स्टैंडर्ड तक एक तरीके से कंपलसरी भी हो जाएगा मैथमेटिक्स. मैथमेटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो सर ने अभी मेरे ख्याल से लास्ट वीक के कोई तो भी एक लेक्चर में भी बोला था कि दिन में एक सुडोको तो सॉल्व करो कम से कम, डू सम ऑर दी अदर एक्टिविटी, एक सुडोको ही सॉल्व कर लो, नथिंग एल्स देन. तो कुछ तो ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो ब्रेन को एक्टिव रखे. एंड सेकेंड थिंग विल बी बाकी के जो टॉपिक्स है वो भी कवर होंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग इतने टाइम से बोलते आए हैं, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन. तो इस तरीके से बहुत सारे जो टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है फॉर इंडिया का प्रोग्रेस के लिए, अपनी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, प्लस स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए, तो वो सब्जेक्ट्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस दिया जाएगा अभी आगे. और मेरा यही बोलना मैम इस पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस आया है. मैंने कल ही तुमको बोला था, उन्होंने दो वर्ड मेंशन किया, लिटरेसी और न्यूमरेसी, और दोनों में एक्सपर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह. न्यूमरेसी नंबर का खेल है, लिटरेसी लैंग्वेज का. और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लैंग्वेज और मैथ्स दोनों भी इम्पोर्टेंट है, अगर ये दोनों चीज इम्पोर्टेंट नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगा. तो जिसको मैथमेटिकल थिंकिंग बचपन से नहीं है, और जिसको हम बोलते ना शाहरुख सर रोज 1:20 से 2 बजे तक पढ़ाते हैं वैदिक मैथ्स, संडे हो या सैटरडे हो रोज खाओ अंडे, बोलते ना वैसे हम बोलते रोज पढ़ो मैथ्स, वैदिक मैथ्स, पावर मैथ्स, मेंटल मैथ्स. ये अमर अकबर एंथनी है, इसके ऊपर शाहरुख सर एक पीपीटी भी बनाएंगे, वैदिक मैथ्स, पावर मैथ्स और मेंटल मैथ्स. इसको बच्चा 12वीं का बाद की बच्चा है उसके लिए भी क्यों इम्पोर्टेंट है. अभी मेरा अभी एक एडमिशन हुआ मैंने, वो पेरेंट्स को पूछने पड़े, मैं तो थोड़ा सोया था, को नहीं देखेंगे तो जाएंगे नहीं, इधर तो मेरा मोबाइल बज रहा. देखो फिर मैंने बोला उनको कि ऐसा तुम चकड़े कहा है जो बाकी चकड़ा नहीं है, तो मैंने इसको पाइथागोरस का डुप्लेट से स्टार्ट किया, परेशान हो गया बंदा, दोनों पेरेंट्स ने टीचर थे. तो वो जो चीजें हम लोग जो बताते हैं ना, पाइथागोरस डुप्लेट तो बहुत मामूली बात है, पर ये सारे चीजें बच्चों को पता ही नहीं है. कोई भी बच्चा मेरे पास आता है उसको मैं 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर लिखा रहा हूँ, और 99% केस में मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ बच्चों को नंबर का स्क्वायर राइट नहीं आता, और 1 to 50 तो 100% बच्चा एक पक्का गड़बड़ करता है. तो ये चीजें तुम लोग समझ लो, अपने भाइयों को अपने बहनों को बताओ, अभी आगे चल के लाइफ में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैथमेटिक्स को पढ़ने के 3 तरीके हैं, एक वैदिक मैथ्स है, एक मेंटल मैथ्स है, और एक पावर मैथ्स है. और ये तीनों चीज अनीस क्लासेस में 1:20 से 2 बजे तक होता है, सारे बच्चे उसको अटेंड किया करो. और मैं चाहूंगा कि अगले बार जो तांबोली सर का लेक्चर है ना सर, उसको भी 2 बजे के बाद रखेंगे कि बच्चे वो लेक्चर आपका मिस नहीं करें. आज मेरे दिमाग में आया. और सुबह का जो इंग्लिश सुरभि मैम का इंग्लिश होता है हमारे यहाँ, वो हर एक बच्चे के लिए कॉमन है, 6 to 6:40, चाहे वो बच्चा सीडीएस देता हो, एनडीए देता हो, एसपीआई देता हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, सबके लिए कॉमन है. स्पोकन इंग्लिश का भी हम लोग अलग क्लास रखने वाले हैं, लैंग्वेज, कोडिंग, रोबोटिक्स, ये सारे चीज आपको मैथ्स से रिलेटेड है. नहीं अंशी राम, वो उसका कोई फायदा नहीं है जो तूने लिखा, मैं वो यूट्यूब पे बोलना नहीं चाहता, जो वो कंट्रोवर्सी हो जाएगा. मैंने जो बोला उसी पर ध्यान दो, वैदिक मैथ्स, पावर मैथ्स और मेंटल मैथ्स. इसके बुक्स भी है और इसके यूट्यूब पे वीडियोस भी, वो भी देख सकता, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड मैम. यस सर. ये जो है ये काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप मैं इसमें बोलना चाह रहा हूँ, मैं बाद में बोल जाऊंगा. देखो बच्चों, एनटीए, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल टेस्टिंग अभ्यास करके एक ऐप डाउनलोड किया. जो बच्चे इस बार एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ 30 क्वेश्चन इस ऐप में, जो क्वेश्चन पेपर उसी में से आने वाला है. बाद में मेरे को बोलना नहीं है कि मैंने बोला नहीं करके, 154 पेपर आज तक उन्होंने दिया है. गलत भरा तो गलत भरा, मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूँ. नेशनल टेस्टिंग अभ्यास पे 154 पेपर है, उस पेपर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन है. अगर वो तुमने नहीं किया तो एनडीए पास नहीं आएंगे. बाद में मेरे को बोलना नहीं, एकदम मुंह फट बोल रहा हूं मैं. सुन रहे सब लोग क्या बोला मैंने? कितने लोगों ने किया जांच करो बताओ मेरे को. मैं रोज उदय सर को, शाहरुख सर को भी बोल रहा हूँ, अफरोज सर को बोल रहा, 5-5 सम क्या करो एनडीए से टॉपिक वाइज. जो भी आप डेरिवेटिव्स पढ़ा रहे तो डेरिवेटिव्स के 5 सम, जो भी पढ़ा तो 5-5 सम हार्ड है, पर वो करना जरूरी है, वो स्टैंडर्ड तक अपना मैच आना जरूरी है. बाकी रहा परक के एनसीईआरटी और ये सब 5 सीबीएसई के एप्स है, वो 8,000 घंटे का आईआईटी का लेक्चर मौजूद है,
वो पढ़ते बैठो जिंदगी भर, कभी कम नहीं होगा। हाँ रावल से, एकदम रावल से सम्स। अरे अब्दुल अब्दुल पहले ये नेशनल टेस्टिंग अभ्यास के सम्स कर, बाकी के बाद में देखेंगे अपन जब इम्प्लीमेंट होगा। आगे मैम बोलो आप। ये सब जो नाम है इनमें से भी कुछ भी अभी आ सकता है एनडीए में, तो आप और ये सब चीज ध्यान रखिए। देयर इज एनटीए दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी व्हिच विल वर्क टू लाइक यू नो हाईली क्वालिफाइड कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी जैसे हम लोग ने कल इन्फॉर्म किया था कि जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो सब सिंक्रोनाइज होके एक सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, आपको इंजीनियरिंग का ऐसे एडमिशन होगा। तो जो एजेंसी उसके लिए वर्क कर रही है दैट इज एनटीए दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देन देयर इज स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर स्कूल बोर्ड्स थ्रू परख। परख हम लोग ने कल इन्फॉर्म किया था अपर को, कौन उसका फुल फॉर्म मेंशन करेगा चैट बॉक्स में, परख का फुल फॉर्म। तो जो नॉर्म्स होंगे स्कूल्स के लिए, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड अदर थिंग्स के लिए जो नॉर्म्स होंगे वो सब जो है परख जो है वो बनाएंगे नॉर्म्स पूरा। एंड गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी। पहले अलग अलग होता था बट अभी एक सेंट्रलाइज कर दिया है, एनसीईआरटी ही है जो सब बोर्ड्स के लिए सब स्कूल्स के लिए एक एग्जामिनेशन का गाइडलाइन बनाएगी इन कंसल्टेशन विद एससीईआरटीएस। व्हाट इज एससीईआरटीएस मेंशन करो स्टेटस में, बोर्ड्स ऑफ असाइनमेंट BOAS एंड परख, ये सबको कंसल्ट करके एनसीईआरटी बनाएगी। तो मुझे दो चीज का फुल फॉर्म मेंशन करो, परख का तो हम लोग ने कल बताया था आपुर को, तो परख का भी मेरे को फुल फॉर्म मेंशन करिए एंड SCERTS। मैंने एनसीईआरटी का बताया मैम इनको, राज काले को बोला ना मैंने। हाँ। सिर्फ अगर सेट चैप्टर नहीं ना, सेट चैप्टर अक्सर बच्चों को बाउंसर जाता, उसमें सिर्फ साइंटिस्ट के नाम लिखे ना उसके ऊपर अलग पीपीटी बनेगा, उस पर अलग नॉलेज मिलेगा। उनका चैप्टर खत्म होने के बाद भी एक उनका फुट नोट रहता, मैं बोला ना लिखो फुट नोट, फुट प्रिंट, टाइम लाइन, रोड मैप, और क्या बोला तुम्हारे को मैं, क्रॉस वर्ड, पजल्स, और क्या बोला था मैं पढ़े तुम्हारे को, जीनियोलॉजी, फैमिली ट्री, पीपीटीज, इन्फोग्राफिक्स, ये सब पढ़ने का तरीका भाव है। अभी नया जमाना है, नया जमाने के बदलना पड़ेगा। वेन डायग्राम, हाँ इन्फोग्राफिक्स, बहुत सारी चीज है, इतने सारे बुक्स है। 33 साल का मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को इतना मटेरियल नहीं मिला जितना मेरे को 3 महीने में मिला। मेरा डायलॉग है अभी तक का कितने एचआरडी मिनिस्टर गुजरे, जरा नाम बताना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर के नाम बताओ। उसमें के मेरा बहुत फेमस है अर्जुन सिंह, अच्छा आदमी था। हाँ परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, वेरी गुड। ये सब अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्वेश्चन भी आएंगे, अभी तुम्हारे को एनडीएमएस पे क्वेश्चन आएगा, याद रखो। सो नेक्स्ट स्लाइड, एचआरडी मिनिस्टर के नाम लिखने लगा ना, कितने आज तक एचआरडी मिनिस्टर गुजरे। यस सर बोले ना। हाँ तो अभी जो रिपोर्ट कार्ड बनेंगे वो नॉर्मल अपने हर बार जैसे रिपोर्ट कार्ड बनते थे सब्जेक्ट एंड आउट ऑफ कितने मार्क्स कितने मिले एंड ऑल, उस तरीके का नहीं रहेगा। अभी जो रिपोर्ट कार्ड बनेंगे वो पूरा जो है एनालाइज करके बनाया जाएगा एंड दैट विल बी इंक्लूडिंग सेल्फ असेसमेंट। हम लोग खुद असेसमेंट करेंगे, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट क्या होता है प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करो, बिकॉज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक हमारे को कैप्टन डोभाल सर पूछ रहे हैं पाथफाइंडर अच्छा है क्या, बिल्कुल अच्छा है। बेसिक पढ़ने के लिए सबसे अच्छा बुक पाथफाइंडर है, लेकिन पाथफाइंडर के क्वेश्चन अभी इंडिया में नहीं आ रहे, इंडिया का लेवल पाथफाइंडर से बढ़ गया। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि पाथफाइंडर नहीं करना, पहले पाथफाइंडर करना है फिर दूसरा बुक्स करना है, याद रखो। यस सर,
राइट, तो पीयर असेसमेंट जो है वो भी देखा जाएगा एंड टीचर्स असेसमेंट, तो तीनों को मिलाकर एक असेसमेंट बनाया जाएगा। एनटीए जो है वो जेईई के लिए है, लेकिन जेईई का मैथमेटिक्स ही एनडीए में आता है, तो जेईई के मार्क्स के सम हमको एनडीए के लिए करना है। और वो 154 जो जो टॉप अभी तो 11th में ना ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, तेरा सेट्स का हो गया, वहां के सम लेके सॉल्व करना चाहिए। यस मैम करते हो? हाँ बोलो। यस सर कंटिन्यू करते हो? एंड पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स को भी एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाएगा इन चाइल्ड्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है? जैसे बोलो ना मैम, हेलीकॉप्टर टाइगर मॉम चैटबॉट पे बोल रहा हूं, जिनके पेरेंट्स हेलीकॉप्टर डैड और टाइगर मॉम रहेंगे ना, वही बच्चे इंडिया पास होंगे। अभी देखो बच्चों, हेलीकॉप्टर डैड टाइगर मॉम, क्या मतलब बोलो? यस सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो, हमारे यहाँ पे अनीस क्लास में भी हमने एक ऐप बनाया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलेगा, थोड़ा टाइम लग रहा है उस पे, पर इसको हम लाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जरूरी है। तुम्हारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझा था, तुमने एक सम किया, तुम्हारे को आता है तो तुमको वही सब का सम अमर हो गया, अकबर और हटाएगा, और एंथनी उससे और हटाएगा, तो तुम्हारे को करते करते वो आगे बढ़ेगा। वो मेरे ऊपर फोटो दे देगा, मेरे को सर्जी को भेज देगा, भूल जाऊंगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टाइम लाइन भी है, जैसे अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो है एंड न्यू असेसमेंट पैटर्न जो है वो कब तक पूरा जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, उसका भी एक टाइम लाइन रखा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जल्दी ही पूरा चीजें जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरा चेंज होगा इस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल 2021 से 22 तक क्लास 9 जो है, क्लास 9 तक वो लोग पूरा इम्प्लीमेंट कर देंगे, देन 10th का जो है 22 से 23, 11th 23 से 24 एंड 12th स्टैंडर्ड का 24 to 25। इसीलिए जो हम लोग आपको बोल रहे हैं कि आप अपना पढ़ाई शुरू रखो, बिकॉज ये इतने जल्दी सब कुछ ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट पूरा सब कुछ जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये सब न्यू करिकुलम बनने में और पूरा चेंजेस लाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट? तो न्यू बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न और जो है क्लास 12th का वो एक्सपेक्टेड है 24-25 में, एंड दिस इज नॉट आर, ये चीज जो है ये हम नहीं बोल रहे, ये उसी फॉर्मेट में पूरा आया था, न्यूज में पूरा आया था ये भी। सो आप और अपनी प्रिपरेशन रेडी रखिए, जैसे ही डिक्लेयर हो जाएगा कुछ तो अपने आप सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा एंड विल कम टू नो, ओके? तो दिस इज लाइक दिस की 24-22 में 12th स्टैंडर्ड इज एक्सपेक्टेड टू चेंज, तब तक नहीं होगा, ठीक है? मुझे ये भी चाहिए अभी अनीस क्लासेस में फर्स्ट स्टैंडर्ड पे ना हम लोग के पास ये चार चीज रह गया, चार ग्रुप पे। हेलो जी सर, तो ये 9th पे नहीं, हमारे यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी एडमिशन लेने वाले, तो स्टैंडर्ड 1 पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आपके भाई बहन रिश्तेदार दोस्त अहबाब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, प्लीज पास ऑन द मैसेज, अनीस क्लासेस ओपन फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द कंसेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग एंड नो स्कूलिंग। सर कैन यू म्यूट मार्क, मार्क मार्क तेरा आवाज जा रहा है, म्यूट करें या कंटिन्यू? मैम आपको कुछ बात करना है इस पे? नहीं सर, पहले मैं बताया ना ये 300 करोड़ रुपीज का इंडस्ट्री था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, मतलब क्या था कि कोई भी क्लास स्कूल चालू करता था, कोई भी क्लास, आजकल है ना जिसके पास जूम आईडिया क्लास चालू करे तो वो उनके अंदर क्वालिटी नहीं आएगा, एक्सपीरियंस के साथ करना पड़ेगा और एनईपी के थ्रू हम लोग करने का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट एंड ये जो आया है डिटेल्स, इसमें एडल्ट एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ आया है डिटेल्स,
जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है दैट इज द फर्स्ट थिंग, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन. तो बहुत सारे जो बड़े हैं जो सबसे पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लिखो अपने इसमें चैट बॉक्स में लिखो. कंटिन्यू मैम कंटिन्यू. राइट, तो बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना एजुकेशन बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन छोड़ दिया था बट अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं. तो पॉलिसीज अभी जो भी आएगी न्यू वो इतनी फ्लेक्सिबल रहेगी कि वो लोग भी अपना एजुकेशन जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ वोकेशनल थिंग ऑल्सो उनको हेल्प होगा एंड बेसिक एजुकेशन पे तो ध्यान दिया ही जाएगा. प्लस जैसे कंटिन्यूटी एजुकेशन पे पॉइंट जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो रहेगा टोटली जो अपना मैं तो मेरे स्टाफ को कंपलसरी करूंगा कि वो सारे के सारे स्टाफ नया एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से डीएड बीएड या जो भी स्किल प्रोफिशिएंसी में आप उसको वो कोर्स करेंगे तो ही एम्प्लॉय करेंगे, ऐसा शर्त लगाऊंगा. इम्पोर्टेंट है अपने आप को अपग्रेड करना. हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते ना क्या बोलते हैं, स्किल रिस्किल अपस्किल. लिखो बच्चे लोग, मोदी जी का डायलॉग है, कौन बात करे इसके ऊपर, स्किल रिस्किल और अपस्किल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आपको अगर अपग्रेड नहीं करें तो पढ़ नहीं सकते हैं. टीचर ट्रेनिंग, टीचर अगर ये समझेगा ना कि मैं बहुत भारी है ले भारी है तो वो पलटा खड़ा है, कुछ काम का नहीं. वो टीचर के अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि नहीं मैं सीखूंगा. स्किल रिस्किल और अपस्किल. नेक्स्ट सर, नेक्स्ट मैम. इज रिंकू मैम देयर इन लेक्चर? ये पूरा डिटेल शो है ये रिंकू मैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इज शी इज देयर, शी कैन एक्सप्लेन. रिंकू आर यू देयर? रिंकू कुट गली नहीं आए. ओके, तो जैसे बताया था कि काफी सारे टीचर्स ने इस पे वर्क किया है एंड उसके बाद हम लोग ये पूरा पीपीटी शो है ये प्रिपेयर किया है. तो रिंकू मैम के अकॉर्डिंग दिस पॉलिसी क्लियरली फोकसेस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग रादर देन लर्निंग बाय रोट. जैसे हम लोग ने बताया रट्टा मार के पढ़ते थे बच्चे, तो क्या बात है रोन डोबले में उधर उधर डाला, नो रट्टा यू सट्टा डैनिश क्लासेस. मैम इसके ऊपर एक स्किल रिस्किल अपस्किल होगा, नो रट्टा बट सट्टा. यस मैम. यस सर. So, उस तरीके का एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो पहले उस पे फोकस किया जाएगा एंड सिंस द स्टूडेंट्स आर नाउ अलाउड टू पिक मेजर्स एंड माइनर्स, क्योंकि अभी बच्चे जो सब्जेक्ट्स पिकअप करेंगे उसमें भी उनको दो ऑप्शन रहेंगे कि कुछ सब्जेक्ट एज एन मेजर रखे वो एंड कुछ सब्जेक्ट माइनर्स बोल के रखे. तो उस तरीके के दोनों ऑप्शन कॉम्बिनेशन वो लोग रख सकते हैं. दे शुड यूज दिस फ्रीडम टू कीप देयर ऑप्शन ओपन, दे डू नॉट हैव टू मेक a decision right away about what to focus. बहुत सारे see इसमें कैसे है ना entry point, अभी जो new education policy आएगा इसमें entry and exit point भी add किया गया है. Entry exit point means बच्चे अगर पढ़ रहे but because of some reason. बच्चे मैं तो धड़ मारता हूँ. पर कचरा धारा तुम भी धड़ मार रहा नहीं. पर कचरा होना क्या है था? धारा तो भी मारना नहीं. कौन है भाई? कौन है? निकाल दो उसको. क्या बात? कौन है? बच्चों. निकल दो उसको आगे. ओके, तो चौधरी सर क्या? चौधरी सर निकाल दो उनको. हाँ मैम कंटिन्यू करो. जी, तो इसमें बहुत सारा एंट्री एग्जिट पॉइंट भी है. तो अगर बच्चे को कोई सब्जेक्ट ऐसे टफ लग रहा है तो वो एग्जिट करके दूसरा भी सब्जेक्ट ले सकता है. प्लस कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन, अगर बच्चा पढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस जैसे पेरेंट का रिलोकेशन हो गया कहीं पे या समथिंग ऐसे हो गया तो वो एग्जिट कर सकता है एजुकेशन एंड 6 months बाद या 1 year बाद वापिस से एंट्री कर सकता है. तो देर आर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बेसिकली. तो उस चीज के बारे में रिंकू मैम ने मेंशन करा है कि बच्चों ने उसका फैसिलिटी जो है वो अवेल करना चाहिए. क्रेडिट सिस्टम के रिंकू मैम ही उस पर बात करने वाली थी. बॉलीवुड का यूज इसके लिए करता हूँ, बच्चे कनेक्ट होते हैं. अगर मेरी दाढ़ी टोपी रहेगा ना मोना लोग मेरे नाम पे फतवा निकाल देंगे.
लेकिन मैं जानता हूँ, मैं बॉलीवुड इसलिए यूज करता हूँ कि वो बॉलीवुड से बच्चे जल्दी से एंगेज हो जाते हैं। सारा अली खान का मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि सारा अली खान ने आईवी लीग में पढ़ा, तो बच्चे सारा अली खान को देखते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसके इंग्लिश को सुनते हैं, और आईवी लीग में उसने 3 साल का डिग्री 2.5 साल में निकल के आ गई वो, तो वो क्रेडिट सिस्टम होता है वहां पे। अभी इंडिया में क्या है, कितना भी बच्चा हुशियार हो वो 17 साल में 17 नंबर का फॉर्म भर सकता है, ये बेवकूफी है। अगर बच्चा राइट है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन है, 10 साल का बच्चा भी ले सकता। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में हुशियार होता, 10 साल का बच्चा भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन हो सकता, रोबोटिक्स का स्किल हो सकता, एथिक्स कोडिंग में स्किल आ सकता उसका। तो वो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। अगर मैं हुशियार हूँ तो मैं 12 साल के 12 साल में भी मैं SSC बोर्ड का एग्जाम दे सकता हूँ, मेरे को कहीं को पकड़ते 5 साल और वो चीजें चेंज होना चाहिए। अभी ये प्रॉब्लम है। अब मैं जो मेरा थर्ड जो पॉइंट लिखा है, मैं और रिंकू मैम बार बार उसी पर डिस्कस करते हैं कि 3 साल का डिग्री यूएस में जो बच्चे हमारे आते हैं, किशोर टेस्ला कंपनी में काम करता, 3 साल का उसका PhD था, 1.5 साल में उसने खत्म कर दिया। अमेरिका में क्रेडिट सिस्टम रहता, 6-6 महीने में इतने एग्जाम दो, वो सारे के सारे एग्जाम 12 पेपर उसने जल्दी से दे दिया और बाकी के 1.5 साल वो काम करने लगा और उस पैसे से उसने जो लोन लिया था इंडिया में उसने फेंक दिया। तो अगर तुम्हारे पास स्किल है और तुम अगर मेहनत करने को तैयार है तो तुम काय के लिए 3-4 साल लगा रहे, ये मैं बात कर रहा हूँ। वो क्रेडिट सिस्टम में आएगा, क्रेडिट पॉइंट्स आएंगे, उसमें तुम्हारा स्पोर्ट्स कोटा है, तुम म्यूजिक लवर हो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, तुमने कुछ सोशल वर्क किया, सोशल वर्क उसको भी पॉइंट्स देना चाहिए। कोविड हुआ, पैंडेमिक हो गया, तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। 26 हमारे 26 जनवरी को सिर्फ रिपब्लिक डे परेड पे लोगों को ब्रेवरी अवार्ड दिया था। अभी जितना आदमी बता EQ और IQ, उसका IQ और SQ ज्यादा रहेगा EQ से तो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो सोशली कितना एक्टिव है, उसने अपने सोसाइटी के लिए क्या किया, उसके पास क्या सट्टा है, उसने स्टार्टअप ने क्या चालू किया, इनोवेशन क्या किया, उसके पास कौन सा डिस्ट्रक्टिव आइडिया है। सिर्फ सचिन बंसल और बॉबी बंसल है ना, ये लोगों ने 1 करोड़ रुपए कमाना क्या इंडिया में। मेरे पास मालूम है, मैं छोटे छोटे गांव में जाता हूँ, इतने स्किल्ड लोग रहते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता आगे जाने का, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अभी मेरे पास में 100 बच्चे है, तो सारे के सारे 100 बच्चे एक जैसे नहीं, गेमिंग है, हैकिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, स्किल है। मैं बताया ना, मेरे पास मैं ऑन रिकॉर्ड पर हूँ, मेरे बैंक में चेक करो, हांगकांग से मेरे को किसी ने टैप किया कि तुम बैच पढ़ाते, तुम्हारे बच्चों को हम गेमिंग का डिग्री देते हैं, 80,000 रुपीज मांगा 3 साल में। तो मैं ये सब क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा NDA क्लासेस के लिए मैं तो बात चलाता ही नहीं, बच्चे तो NDA छोड़ के गेमिंग में आएंगे। लेकिन ऐसे स्किल जो है ना, जो चीजें स्किल्ड है वो चीजें आना चाहिए। हाँ, अगर NDA नहीं हुआ तो मेरे पास अभी बहुत आइडियाज है जो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, और मैं उस पर एक आइडिया तुमने को पहले ही बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ पूना हम एक्सटर्नल BA कर सकते हैं। बच्चा मेरे पास एक्सटर्नल BA करेगा, स्टडी सेंटर भी अनिश क्लास रहेगा, और साथ में उसको मैं ड्यूअल डिग्री दिलाऊंगा किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी। तो ये मैंने वादा है तुम्हारे को, और मेरे पर भरोसा रखो, मैंने 33 years इस पर लगाया है, तो तुमको प्रॉपरली और अच्छे से गाइड करूंगा क्या पढ़ना है। और मेरा मकसद तुम्हारे को डबल डिग्री इसलिए दिलाना है, एक बैकअप प्लान। मेरा आइडिया है कि BA करने के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, अनिश क्लासेस में बैठ के CDS के लिए, CISF के लिए, CFPF के लिए, क्या रेलवे का बोला, RRB के लिए, जितने भी एग्जाम्स होंगे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होगा उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे, और हम सामने से हम लोग डिग्री और ग्रेजुएशन के लिए पढ़ेंगे। समझ में आ गया? खुद मैं, मेरा सब टीचर को, मैं खुद, हम लोग सब, ये नया जो पॉलिसी है ना 4 साल का, हम लोग सब उसके अंदर एनरोल होने वाले, क्योंकि अभी एज लिमिट नहीं है उसको, एजुकेशन को क्या किसको भी आ सकता, एडल्ट एजुकेशन भी है, हम लोग भी एनरोल करेंगे। क्यों? कि अगर हमने खुद पढ़ा, खुद लिखा एग्जाम, हमको खुद समझ में आएगा कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। सारे को मैं कंपल्सरी करूंगा जितने मेरे पास स्टाफ है, अलग अलग चीज है। यस मैम, कंटिन्यू। एंड जैसे सर, ये लास्ट वाला एक पॉइंट हम लोग ने इसमें ऐड किया है कि आपने कभी तो भी बोला था लेक्चर में ही बोला था, 4 PM के लेक्चर में, कि ग्रेजुएशन के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी बच्चों के लिए वो कोर्स अभी तक बने भी नहीं है। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आएगी ये पूरा उसी सब चीजों को ध्यान में रख के कि बच्चों के स्किल्स पे वर्क करना है, ताकि आगे चल के एजुकेशन खत्म होने के बाद कोई भी जॉब हो या वैकेंसी हो उनमें स्किल्स हो, ताकि वो लोग वो चीज को। उसका भी आपको अभी एग्जांपल बना था, वो जिस दिन आर्यन राजगुरु का जो फिजिक्स का था ना, तो कुछ लोग आए ट्रॉल मार के, बहुत सारे लोगों ने गंदी गालियां दी और रिलीजन पे और बकवास किया, तो मेरे को बहुत टेंशन में था उस दिन, और मेरा मूड भी नहीं था। तो मेरे स्टूडेंट्स थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो उनको
पकड़ा वो कौन है, टॉल कर दे और यहां तक फाइंड आउट करे कि उनको पैसा दिया जाता है करने के लिए। यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे, और मैं जो साइबर क्राइम है उसका केस भी किया हूँ। मतलब बाकी जो टॉल करने वाले लोग हैं उनको पैसा दिया गया है करने के लिए, आप सोचो ना कितना बड़ा रैकेट है। तो लेकिन बच्चों लोगों ने फाइंड आउट किया, अब पुलिस स्टेशन में जाएंगे आप याद, अब उनको पता भी नहीं चलेगा क्या कर रहा है, उन्होंने बड़ा फाइंड आउट किया लोग कौन है क्या है कैसा है। तो ये एथिकल हैकिंग हमारे बच्चों को आता है, तो ये सब चीजें हम बच्चों को सिखाना चाहिए पहले से ही। आगे हाँ, ये सबसे बड़ा काम किया मैम इन्होंने जो किया ना, याद रखो ये यूजीसी का फुल फॉर्म लिखो बच्चों लोग, और AICTE हमारा जो डिप्लोमा और डिग्री का कॉलेज है ना उसको बोलते हैं AICTE। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक ड्रास्टिक डिसीजन लिया जो तुम लोग किसी को नहीं मालूम, मैं बार बार बोलता हूँ, गेट का जो एग्जाम होता है ना वो बीए करने वाले बच्चों को अलाउ किया, सोचो ना। और ये बात देखो, मैंने जब बीए की बात किया मैंने और सलोनी मैम ने, उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ, ये भी बता रहा तुम्हारे को। और आजकल अलहमदुल्ला यूट्यूब है, यूट्यूब अभी झूठ नहीं बोलता, जो है जो कुछ है सब यूट्यूब में बोलते। मतलब जब गेट ने अनाउंस किया था ना सोनाली मैम, आपको नहीं मालूम लेकिन अपने उससे पहले ही बात किया था कि हमने बीए कराना बच्चों को। yes, आप समझते ना मेरी बात को? हाँ, नहीं सब बच्चा बोला बीएससी करने का, आप और मैं बोला कि बीए करने का। तो ये बार जो गेट का एग्जाम AICTE कंडक्ट करती है वो गेट का एग्जाम फोर्थ ईयर के बी के बाद होता है, अभी थर्ड ईयर में दे सकते हैं और वो बीए वाले बच्चे भी दे सकते हैं। पहले इंजीनियरिंग के बच्चे दे सकते थे, अभी जो बीए करते हैं वो बच्चे भी गेट का एग्जाम दे सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ हाँ। तो अभी सब IIT ने ह्यूमैनिटीज ऐड कर दिया, तो ये यूजीसी का फुल फॉर्म लिखा, यूजीसी ने और AICTE अलग अलग नहीं रहे, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज लॉस में चल रहे मालूम आपको। वो इंजीनियरिंग कॉलेज को लॉस से बचाने के लिए आइडिया है, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात को मान लिया ना जो मैं बोलता हूँ, मेरे पास उनके लिए बहुत अच्छा स्कीम है। यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं और लॉस में है, अगर उनको प्रॉफिट में आना है ना तो अनिश कुट्टी को कॉन्टेक्ट करो, मैं प्रॉफिट में कराऊंगा उसको। मेरे पास आइडिया है, बोलो मेरा आइडिया, बोलो क्या नहीं बोलो? अच्छा नहीं बोलो, लोग बोलते नहीं बोलो। आई रिपीट, दोस इंजीनियरिंग कॉलेजेस विच आर एट लॉस and want to become profit making, I can tell you an idea by which you can get students and you will cross the what the breaking point. You will not be in loss. Chat box में मेरा number लिख दो, उन लोगों को बोलो मेरे से आगे बात करें। सचिन सर कुछ बात करना, बात करो, 3 मिनट बाकी है। हाँ सर, इसके बात वाला स्लाइड उनका ही है। Yes, Sajil. Hi. Hello everyone. As the new education policy dictates that teachers training would be a very important part, we firmly believe that teacher training is important. In fact, the upgradation of teachers across our country is really important if we want the future of the child to be bright. We all, even before the new education policy came in picture, we at Anish Classes were already conducting teachers training programs because we firmly believe in that philosophy. Now, generally, some points that we really discuss when it comes to teacher training, what are the different types of learners? First, पहला तो हमें ये identify करना पड़ेगा ना, बच्चे अलग अलग किस किस तरीके से सीखते हैं। कोई visual learner हो सकता है, कोई kinesthetic learner हो सकता है, कोई auditory learner हो सकता है। अगर हमें पता ही नहीं कौन सा बच्चा कैसे सीखेगा तो हम उसे सिखाएंगे कैसे? A class of 20 students can have different students, it could be a totally mixed batch. So we need to be able to identify what sort of students you are teaching and then create your lesson plan so that as to address those needs of those students. There are different methodology of teaching. I mean, we always say this, bache ko ek tarike se nahi samajh mein aaya, so there are about 100 different ways to teach the same thing, right? So agar bachcho ko aap ek tarike se sikha rahe ho to nahi samajh mein aa raha, to what are the other options that could be done? These are the points that we take during teachers training. Communication skills, I mean, that's the fundamental thing that a teacher should know. If we are not able to express our ideas and if you are not able to convince the child as to what we are wanting to say, what would we as teachers be, right? Lesson planning plays a very crucial role. In fact, from this weekend, which is Saturday and Sunday, we are starting a module 2 for a teacher training, and we are concentrating this module 2 would be for lesson planning itself. That would span for over at least 1 or 2 weekends. We are only going to talk about lesson planning. After that, a very important thing would be how do you give feedback to a child?
A lot of time we only stress on the negative, but it is not essential. You should also focus on the positive of a child. हम सिर्फ negative, negative, negative बोलते हैं ना, बच्चा एक time के बाद सुनता नहीं है फिर. So it is important that we also, you know, highlight what is positive in a child. And last but not the least, would be experiential learning. चलो सर्जिल मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सम करो बच्चा इंडिया पास हो जाएगा. ये सम कर लो इंडिया पास हो जाएगा. तो वो positive optimism है. Classic example of optimism. The optimistic feedback that we give to a child. Experiential learning is basically learning by doing. I don't know, for, you know, I've said this, I don't know how many times now, I'll repeat it. If you, I always give this example of a bicycle. आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, आप 10 साल के बाद भी साइकिल लेके चलाओ, आपको चलाने आएगा. क्यों? Because you experienced the entire process of holding the handle, of falling down, and you know, letting go of your training wheels. Similarly, if learning could be made experiential, right? Now, if you were to say, sir, online mein kaise karega? There are lots of tools available on the internet. Google is like amazing platform. It's one of the biggest aggregators. You type in your query, you'll get an answer there. For example, for physics teachers, those of you who are physics, math ke liye Desmos hota hai. Physics ke liye there's fate simulation, which I used. Mera do din pehle jo session tha, usme maine. Unko simulation likhne bolo, Sarjil. Simulation likho. Bahut sare log simulation likh denge biology. एक आदमी को दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, साइकिल चला सकता क्या? आई एम रियली नॉट श्योर. हाँ तो साइकिल लेकिन दिन पे चल सकता है. ओके हाँ बाद में उस पर बात करेंगे अपन. कंटिन्यू. These are some of the things. These are only, you know, these are just like the tip of the iceberg for teachers training. Teachers training is a competency course that we are conducting, and we are conducting it free of cost every weekend. And this would go on for the next 8 to 9 weekends, right? Itna bolne ke baad bhi, free mein rakhne ke baad bhi, having, you know, good content, amazing content delivery. They're not teachers who are not willing to learn. See, I'm not saying that hamara content dunya mein sabse best hai, but if as teachers we should learn, or we should be able to grow ourselves, not because we are bad teachers, but because we could become the best version of ourselves if we keep on learning. Hence teacher training is important, right? I think I'll just like to, because there's not enough time, I'd like to conclude here. All those teachers who are attending this session, you're more than welcome to attend teacher training sessions that take place every weekend. It's only for 40 minutes on Saturday and 40 minutes on Sunday. Please do that. Over to you, Sonali. सोनाली और कुछ सोनाली मैम और कुछ बात बात करो मैम. एक मिनट होल्ड करो सोनाली मैम. हेलो सर. बात हो गया ज्योग्राफी की क्लास है. इतना ही बोलो. टीचर ट्रेनिंग अनिक्स क्लास में होता है और बहुत अच्छे से होता है. किसी भी टीचर को अगर अनिक्स क्लास में आके टीचर ट्रेनिंग करना है तो खाने पीने के साथ फ्री है. कोई भी सोशल वर्क है, कोई भी बच्चा 3 दिन के लिए टीचर, 3 दिन, 40 दिन, 10 दिन, अगर कोई टीचर को हमारे यहाँ ट्रेन करना है तो वो यहाँ आके ट्रेनिंग ले सकता है. फिजिकली ऑनलाइन में नहीं, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ. यहाँ आ जाए और हम उसको ट्रेन करेंगे प्रैक्टिकली. रहना खाना भी फ्री है उसको. यस सर. तो दिस वाज द सेशन अबाउट न्यू एजुकेशनल पॉलिसी. तो बेसिकली अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए. मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दीजिए. बिकॉज आगे का भी जो पॉलिसी आएगा वो पूरा उसी चीज के रिलेटेड आएगा. ईद गीत घूमेगा मैथ्स के, तो उस पर ध्यान दीजिए. सो थैंक यू सो मच. अभी ज्योग्राफी का लेक्चर है सर. ज्योग्राफी का लेक्चर शुरू होगा ना अभी. ऑल स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन ज्योग्राफी लेक्चर. Like, share and subscribe. So chat save karna hoga na? Please save kar do ma'am. I'm not the host sir. Fazan sir, can you please save the chat?
Faizan sir is on leave today. Anish sir is host. Who am I? Shiva, Shahrukh, can you all please save the chat? एंड करो मीटिंग एंड करो मीटिंग एंड करो मैम मीटिंग एंड करो सर आप होस्ट हो